हेलो फ्रेंड्स, मैं हमारी एम और कपिल की मूवी आ रही है जो गाटो करके है, जो मतलब फूड डिलीवरी सर्विस पे है। मैं मतलब जैसे कि फूड पांडा और ये सब जो चलते हैं, तो इसी तरह का कि उस पर कॉन्सेप्ट पे है कि किस तरह की लाइफ होती है एक राइडर की और किस तरह से उनकी हार्ड वर्क वर्किंग होते हैं, लेकिन कितनी मुश्किल होती है उनका काम, उनकी फैमिली को ऊपर हैंडल करना वो सब। लेकिन मुझे कपिल शर्मा अच्छे नहीं लगते, मतलब एज एन एक्टर, मतलब कॉमेडियन वो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कपिल शर्मा को कॉमेडी मूवीज़ में ही आना चाहिए, क्योंकि वो मतलब उनका चेहरा जैसा है कपिल शर्मा का काफ़ी थोड़ा सा बल्कि है, मतलब और एक्टर शार्प नहीं है ऐसे जॉ लाइन और ये सब ना, तो उनकी शक्ल को देख के मतलब थोड़ा सा सूट नहीं करती उनके ऊपर एक्टिंग। या पता नहीं, हमने इतने सालों तक कपिल शर्मा आया, उससे पहले कॉमेडी नाइट्स और वो सब, जो कपिल शर्मा को 15 साल से हम देख रहे हैं ऐसे, तो इसलिए हम यूज्ड टू हो गए हैं, माइंड सेट बन गया है शायद एक, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। या आई डोंट नो, तो मुझे नहीं, मतलब स्वीकारों में कपिल शर्मा बहुत अच्छे लगे हैं, उनके कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्टेंट अच्छा है, पर कपिल शर्मा के बारे में मेरी पर्सनली ये ऐसे फीलिंग रहती है कि वो सीरियस रोल में इतना अच्छा नहीं प्ले कर पाते जितना कि वो उनके जो एक उनका बिल्ट इन फैक्टर है कॉमेडी और ह्यूमर का, उसको लेके ही वो काम करें या मूवीज़ में भी आए तो शायद अच्छे लगे हमें। तो आप लोग को क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड आप लोग एक्साइटेड हैं जुगाटो देखने के लिए कपिल शर्मा की, या आप लोग को क्या लगता है कपिल शर्मा की इस मूवी को लेकर, मुझे जो भी कहना हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ लेट्स सी यू, बाय बाय, टेक केयर।